मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। टोरंटो में फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों में रिकॉर्ड इजाफा। वुकला का हुकूमतों से फूड बैंक्स की मदद का मुतालबा। माहरीन ने महंगाई को लोगों की मुश्किलात की बड़ी वजह करार दिया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में गर्मी से मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की काश्तकारों से मुलाकात। काश्तकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को मौसमी मसाइल से आगाह किया। रूसी सदर पुतिन की अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान आमद। तुर्क सदर भी सेफरी के अजलास में शिरकत के लिए ईरान पहुंच गए। शाम और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूसी फोर्सेस की यूक्रेन पर ताज़ा गोलाबारी में 6 अफराद हलाक। रूसी अदालत ने गूगल पर 37 करोड़ डॉलर से ज़ायद का जुर्माना आयद कर दिया। मामले पर गूगल की तरफ से अभी कोई तबसरा सामने नहीं आया। बरतानिया में तारीख का गर्म तरीन दिन, शदीद गर्मी। दरियाओं और झीलों में डूबकर 4 अफराद हलाक। फ्रांस में गर्मी का 73 साल रिकॉर्ड टूट गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ हेल्प यू लिव مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की गई है, जबकि हीट वेव के सबब शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की गई है, जबकि हीट वेव के सबब शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। टोरंटो अब गर्मी की वार्निंग में है, जहां मंगल और बुध को शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी करदा गर्मी की वार्निंग में कहा गया है कि अगले 2 दिनों में दिन के वक्त ज्यादा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। मंगल को रात भर कम से कम दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड के करीब रहेगा, लेकिन वफाकी मौसमियाती इदारे का कहना है कि ठंडा दर्जा हरारत गर्मी से थोड़ी सी राहत फराहम करेगा। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि जुमेरात को मौसम में मजीद वक्फे की तवक्को है, जब पेशन गोई में कदरे ठंडे दर्जे हरारत का बताया गया है। एजेंसी के मुताबिक गर्म और मरतूब हवा का मतलब है कि हवा का मयार खराब हो सकता है और ये एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स को हाई रिस्क कैटेगरी में धकेल सकता है। टोरंटो के रिहायशियों से अपील की जाती है कि वो गर्मी की बीमारी के असरात पर नजर रखें। इन असरात में सूजन, खारिश, दर्द, बेहोशी, गर्मी की थकन, हीट स्ट्रोक और सेहत की कुछ हालतों का बिगड़ जाना शामिल है। दीगर अलामात में चक्कर आना, मतली और उल्टी, तेज सांस और दिल की धड़कन, शदीद प्यास शामिल है। एनवायरमेंट कनाडा ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दर्जा हरारत बढ़ने पर रिहायश के लिए ठंडी जगह तलाश करें। ऐसी जगहों में दरख्तों से छाया हुआ इलाका, स्विमिंग पूल, शावर या हमाम या आवामी इमारतों में एयर कंडीशन मकामात शामिल हो सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि रिहायशियों को कभी भी किसी को या पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे या ब्लाइंड्स बंद करके धूप को रोकें। टोरंटो में फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
टोरंटो में फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। वकला ने खबरदार किया कि फूड बैंक इस्तेमाल करने वाले लोगों की रिकॉर्ड तादाद को मजीद हुकूमती मदद की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि सस्ती रिहाइश का फुकदान, रुकी हुई आमदनी और महंगाई सभी अहम अवामिल हैं। फूड पॉलिसी के माहिरीन और वकला ने खबरदार किया है कि हुकूमतों को इन 80,000 लोगों की मदद के लिए कदम उठाने की जरूरत है, जो पहली बार घरों के बढ़ते हुए अखराजात, बढ़ती महंगाई और रुकी हुई आमदनी की वजह से टोरंटो एरिया के फूड बैंक इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए हैं। डेली ब्रेड फूड बैंक का कहना है कि उसने सिर्फ जून में टोरंटो में 1,71,631 लोगों की आमद देखी, जो एक रिकॉर्ड तादाद, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये तादाद बढ़ते रहने की तवक्को है। पिछले महीने तकरीबन 8,000 नए क्लाइंट्स का इजाफा हुआ था। फूड बैंक चलाने वालों का कहना है कि हमने कभी भी एक महीने में इतने ज्यादा लोगों की खिदमत नहीं की और ये इस रुझान का हिस्सा है कि हम माह बा माह इजाफा देख रहे हैं। डेली ब्रेड के अंदाजे के मुताबिक वबाई मर्ज से पहले सार्फिन की माहाना औसत तादाद तकरीबन 60,000 थी। माहिरीन का कहना है कि बहुत से लोग जो फूड बैंकों में नए हैं, वो बढ़ती हुई कीमतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। कनाडा में महंगाई की शरह तकरीबन 40 सालों में अपनी तेज तरीन रफ्तार से बढ़ रही है, जो मई में 7.7% तक पहुंच गई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी एक अहम अंसर है, जिसमें गुज़िश्ता साल के दौरान 9.7% इजाफा हुआ है। दरी असना लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान काश्तकारों ने उन्हें बताया कि महंगाई के साथ साथ मौसम की खराबी ने किसानों के ज़हनी दबाव में इजाफा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पहले हाथ से देखा कि किस तरह पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी और जंगल की आग ने 2022 के इब्तदाई महीनों में हल्के दर्जा हरारत के साथ मिलकर फलों के काश्तकारों को मुतासर किया है। जस्टिन ट्रूडो समरलैंड BC में लिट्स आर्चर्ड में रुके, जब वो मुल्क भर के मौसम गर्मा के दौरे पर सूबे में घूम रहे थे। उन्होंने किसानों और काश्तकारों समेत मुख्तलिफ पेशों में काम करने वाले कारकुनों से मुलाकात की। फार्म के मालिक के ट्रूडो को बताया कि किस तरह गुज़िश्ता साल के गर्म मौसम ने फसल को मुतासिर किया। फार्म के मालिक ने बताया कि चेरी की फसल आम साल के मुकाबले में तकरीबन 30-40% कम है और वो तकरीबन 2 हफ्ते पीछे हैं। उन्होंने कहा कि शदीद मौसम बशमूल गर्मी, सर्दी, हवा और ओले यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने फार्म के दौरे के दौरान एक हांस और एक सफ़ेद बाल्टी पर पट्टा बांधा और चेरी चुनने में अपना हाथ आजमाया। काश्तकारों का कहना है कि महंगाई के साथ साथ मौसम की खराबी ने किसानों के ज़हनी दबाव में इजाफा किया है। किसान मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ गजाई अज्जा और अपने दरख्तों की कटाई के तरीके शामिल हैं, ताकि वो फितरत के साथ काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। तैयब अर्दोगान के तहरान पहुंचने पर ईरानी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी मुसल्ला फाश ने तुर्क सदर को सलामी दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर सैफ फरीकी इजलास में शिरकत के लिए ईरान पहुंच गए। तैयब अर्दोगान के तहरान पहुंचने पर ईरानी हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी मुसल्ला फाज ने तुर्क सदर को सलामी दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दौरे के दौरान तुर्क सदर ईरानी क्यादत से मुलाकातें करेंगे। सैफ फरीकी इजलास में रूस, तुर्की और ईरान के सरबराहान शिरकत करेंगे, जिसके दौरान शाम और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन पर हमले के बाद किसी भी मुल्क का पहला दौरा है। पुतिन और अर्दोगान की भी मुलाकात तेहरान में होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों ममालिक की शाम में दिलचस्पी है। ईरान और रूस दमिश्क की हुकूमत के हामी हैं, जबकि तुर्की शामी सदर बशार अल असद के मुखालफीन में से हैं। रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को की मुकामी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुल्क में ममनुआ करार दिए गए मवाद को ना हटाने पर सर्च इंजन गूगल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी अदालत ने गूगल पर $37 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना आयद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को की मुकामी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुल्क में ममनू करार दिए गए मवाद को ना हटाने पर सर्च इंजन गूगल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है। रूस के सरकारी मीडिया वॉचडॉग के मुताबिक रूसी हुकाम की जानिब से गूगल के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब से मुतअद्दिद बार ममनुआ वीडियोज को हटाने का कहा गया, ताहम यूट्यूब ने वीडियोज को हटाने से इनकार किया, जिस पर रूसी अदालत ने कार्रवाई करते हुए 37 करोड़
करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियोस में यूक्रेन जंग के बारे में जाली खबरें फैलाकर रूसी फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक रूसी अथॉरिटी की जानिब से किसी भी बिग टेक कंपनी पर आयद किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इस मामले पर गूगल की तरफ से अभी कोई तबसरा सामने नहीं आया है। ख्याल रहे कि रूसी कानून के खिलाफ वर्जी पर पिछले साल भी गूगल पर 12 करोड़ डॉलर से जायद का जुर्माना आयद किया गया था। दूसरी जानिब रूसी फोर्सेस की डोमेस्टिक रीजन में गोलाबारी के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शेलिंग डोमेस्टिक रीजन के टोटिस कस्बे में की गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू अहलकारों को शेलिंग की जगह से 5 अफराद की लाशें मिली हैं जो मुमकिन तौर पर मारे गए। 3 अफराद को इमारत के मलबे से निकाला गया जिसमें से एक शख्स अस्पताल में जान की बाजी हार गया। बरतानिया में तारीख के गर्म तरीन दिन की पेशगोई पर मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। उधर लंदन में गर्मी से बचने की कोशिशों में दरियाओं और झीलों में डूबकर 4 अफराद हलाक हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बरतानिया में आज तारीख के गर्म तरीन दिन की पेशगोई पर मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। उधर लंदन में गर्मी से बचने की कोशिशों में दरिया और झीलों में डूबकर 4 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है। बरतानिया में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मशरकी इंग्लैंड के शहर सफलॉक में पीर को दर्जा हरारत 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। यूरोप में शदीद गर्मी, बरतानिया में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया ने बताया कि रेलवे ने आज शदीद गर्मी से मुतासरा इलाकों में सर्विस की मौतली का ऐलान किया है। लंदन और मैनचेस्टर के दरमियान फैले इलाकों में इंतहाई गर्मी का इंतबाह जारी किया गया है। दूसरी जानिब फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन समेत यूरोप के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। फ्रांस के मगरबी शहर नाटिस में गर्मी का 73 साल रिकॉर्ड टूट गया जहाँ दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी मीडिया ने यह भी बताया कि माहिरीन की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों के सबब मुस्तकबिल में अक्सर शदीद मौसम की पेशगोई की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।